दोस्तों वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल। आज हमारे रिसेंस के भाग नंबर 21 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो से एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। 2 से 3 नंबर आपको इस टॉपिक से मिलेगा तो जरूर मिलेगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में लोकगीत। उत्तर प्रदेश में लोकगीत ये उत्तर प्रदेश विशेष का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में गाए जाते हैं, किन किन मंडलों में ये ज्यादा गाए जाते हैं, कौन कौन से लोकगीत हैं। ये प्रतिवर्ष सरकारी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी एग्जामों में पूछा जाता रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकगीत। चलिए लोकगीत की अगर हम बात कर ले तो पहले बात ये लोकगीत होता क्या है। तो लोकगीत मतलब ये लोगों का गीत होता है, मतलब एक पूरे समाज का गीत होता है, ठीक है। इसे एक व्यक्ति नहीं अपनाता है, यानी एक व्यक्ति नहीं गाता है, इसे उस समाज के सभी लोग गाते हैं। वैसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में के लोकगीत, उत्तर प्रदेश में कजरी ये लोकगीत है, ठीक है। कजरी गाई जाती है, रसिया गाई जाती है, उत्तर प्रदेश का ये लोकगीत है। इसके साथ साथ होरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, मल्हार ये भी गाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। और इसके साथ साथ कराही, कराही ये भी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी ये भी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। कहरवा याद कर लीजिए, कहरवा इसे डोरसा बना लीजिए, ठीक है। सोहनी ये भी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। रोपनी इसके साथ साथ दलरा, ठीक है। फिर उसके बाद दटका, बिरहा, झूला, चैता, कव्वाली, बधाई गीत, भोला। और इसके साथ मैं बात करूँ स्वाग, फव्वारा, लवरिया आदि लोकगीत कहाँ पे, यूपी में गाई जाती है। ये तो मैंने जितना एग्जाम में पूछा है सन 2015 से जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं ये मैंने उसको पिकआउट करके लिखा है, ठीक है। अरे बहुत सारे लोकगीत हैं जिसे मैंने पिकआउट करके नहीं लिखा है। तो ये लोकगीत उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये लोकगीत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में गाए जाते हैं, किन मंडलों में गाए जाते हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है भजन, पूरन, भगत, निर्गुण। भजन लोकगीत हो गया, पूरन हो गया, भगत हो गया, निर्गुण हो गया, ठीक है। भजन जो भगवान का भजन गाया जाता है, भक्ति, ठीक है। पूरन, भगत, निर्गुण ये कहाँ पे गाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश के ब्रजधनी क्षेत्रों में गाया जाता है। ब्रजधनी क्षेत्र मतलब जो गुफाएं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे गुफाएं होती है, वहां पे जो साधु संन्यासी निवास करते हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। कौन कौन सा, भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, ये ब्रजधनी गुफाओं में रहने वाले संन्यासियों द्वारा गाया जाता है। चलिए अगला मैं बात करूँ मल्हार, मल्हार गीत ये कहाँ पे गाया जाता है लोकगीत। तो मल्हार जो लोकगीत है वो कौरवी या खड़ी बोली क्षेत्र में गाया जाता है, कौरवी या खड़ी बोली क्षेत्र में गाया जाता है। अब बात ये होती है कि मल्हार अगर खाली खड़ी बोली क्षेत्र में गाया जाता है तो ये किन जिले में गाया जाएगा। तो देखिए खड़ी बोली वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इसको मैं मंडल में बता दे रहा हूँ और उसके अंतर्गत जितने जिले आएंगे वो पूरे जिले में गाया जाएगा, ठीक है। तो खड़ी बोली वाला क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, सहारनपुर मंडल आएगा, मेरठ मंडल आएगा, इसके साथ साथ मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल, इन जिलों में मल्हार लोकगीत गाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा मल्हार लोकगीत कहाँ गाया जाता है, तो कौरवी क्षेत्र या खड़ी बोली क्षेत्र में गाया जाता है। और कौरवी या खड़ी बोली क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सहारनपुर मंडल के सभी जिले आएंगे, ठीक है, मेरठ मंडल और इसके साथ साथ मुरादाबाद मंडल के सभी जिले आएंगे। चलिए अगला मैं बात करूंगा स्वाग और रागनी। स्वाग और रागनी ये उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में गाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में गाया जाता है। स्वाग और रागनी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके मैं मंडल बता रहा हूँ, बाकी इसके अंतर्गत जितने जिले आएंगे वहां वहां आपका स्वाग रागनी गाया जाता है। तो बरेली मंडल में आपका स्वाग रागनी गाया जाता है, अलीगढ़ मंडल में स्वाग रागनी गाया जाता है, कानपुर, ठीक है, कानपुर मंडल में, आगरा मंडल में, इसके साथ साथ मुरादाबाद मंडल में, सहारनपुर मंडल में और मेरठ मंडल में आपका स्वाग रागनी गाया जाता है लोकगीत। चलिए अगला मैं बात करूंगा बहत्तर बीर या लावड़ी ये लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है। बहत्तर बीर लावड़ी ये आपका पश्चिमी हाथरस में, हाथरस एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो पश्चिमी हाथरस में आपका बहत्तर बीर और लावड़ी लोकगीत गाया जाता है। चलिए अगला बात करूंगा मैं ढोला, ढोला लोकगीत ये कहाँ पर गाया जाता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में गाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र अभी मैंने बोला है, पश्चिमी क्षेत्र में बरेली मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, कानपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, इन जिलों में आपका ढोला लोकगीत गाया जाता है। इसके साथ साथ अगला मैं बात करूंगा ईसुरी फाग या ईसुरी लोकगीत, फाग लोकगीत, हरदौर लोकगीत और सोहर लोकगीत, नटका, कव्वाली, ये देखिए याद कर लीजिए, ईसुरी फाग ये दोनों लोकगीत एक में है, हरदौर, सोहर, नटका, कव्वाली, ये लोकगीत कहाँ पे गाए जाते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो ये लोकगीत कहाँ पे गाया जाता है, ये लोकगीत आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ईसुरी फाग, कव्वाली, हरदौर, सोहर
और नटका, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले? तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बांदा जिला हो गया, इसके साथ साथ महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया और जालौन जिला हो गया। ये सात जिले जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन। यहाँ पे आपका इसुरीफा, हरदौर, सोहर, नटका, कव्वाली लोकगीत गाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे आल्हा, ठीक है। आल्हा लोकगीत ये कहाँ पे गाया जाता है? आल्हा जो कि पहले आप देखेंगे यहाँ से 10 वर्षों पहले आल्हा का प्रचलन बहुत ज्यादा था, लोग सीडी कैसेट में लगा के आल्हा ही देखा करते थे। तो आल्हा लोकगीत ये कहाँ पे गाया जाता है? ये भी बुंदेलखंड में, विशेष बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष ही गाया जाता है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ जिलों में भी ये लोकगीत गाया जाता है, मतलब पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं गाया जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से आल्हा को ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आगे हम बात करेंगे झूला गीत की, तो झूला गीत ये लोकगीत ये कहाँ पर गाया जाता है? इस श्रावण मास में, श्रावण के महीने में, ठीक है, वृंदावन, वृंदावन मतलब मथुरा में, मथुरा में ये स्पेशली झूला गीत वहाँ पे गाया जाता है। और इसके साथ साथ अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में भी गाया जाता है, अवध क्षेत्र मतलब फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, बस्ती मंडल, फिर इलाहाबाद मंडल, ये सब क्या है, ये सब अवध क्षेत्र में आते हैं, तो अवध क्षेत्र में भी आपका झूला गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, खोरी रशिया फाग, खोरी रशिया फाग ये लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है? ये लोकगीत भी आपका ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से मंडल आएंगे? ब्रज क्षेत्र में आपके बरेली मंडल आएगा, आगरा मंडल आएगा, कानपुर मंडल आएगा। तो ये मंडल में जितने भी जिले हैं वहाँ वहाँ आपके क्या कौन सा लोकगीत गाया जाता है? होली, रशिया और फाग। बरेली मंडल में तब चार जिले हैं, कौन कौन से? बरेली और इसके साथ साथ बदायूं और बहुत सारे ऐसे जिले हैं। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी हो गया। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहुत सारे जिले आएंगे जो कानपुर मंडल में। जितने भी जिले हैं ये पूरे जितने भी मंडल आए, बरेली मंडल, आगरा मंडल, कानपुर मंडल, यहाँ पे आपका होली, रशिया, फाग लोकगीत गाया जाता है। चलिए आगे अगर बात करें कचरी, कचरी की अगर बात करें तो कचरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी जिले में ये लोकगीत गाया जाता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कचरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर जिले में और इसके साथ साथ वाराणसी जिले में ये लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। अगला मैं बात करूंगा पूरा पूर्वांचल क्षेत्र में, ये जितने भी लोकगीत हैं ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है। पूर्वांचल क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? पूर्वांचल क्षेत्र में सोहर, याद कर लीजिए, इसका नोट्स बना दीजिए, ठीक है। सोहर, बिरहा, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कराई, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। इसके साथ साथ बधाई गीत, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में। नटका, चौलर, ठीक है, होली, इसके साथ साथ ददरा, कजरी, कजरी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कजरी। इसके साथ साथ चैता, चैती और रोपनी, ये भी आपका हो गया लोकगीत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में। झूमर भी पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। शोली पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कहरवा पूर्वांचल क्षेत्र में। पूर्वी एंड गारी, ये इतने लोकगीत आपके हैं जो आपके पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे? पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी जिला आएगा, जौनपुर जिला आएगा, भदोही जिला, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, बस्ती थोड़ा थोड़ा, बस्ती तो अवध क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका थोड़ा सा एरिया, कुछ कुछ एरिया पूर्वांचल क्षेत्र में भी आता है, ठीक है। तो बस्ती हो गया, देवरिया पूर्वांचल क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये सभी पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। वाराणसी, जौनपुर, बदायूं, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। पूर्वांचल क्षेत्र में आपके सोहर, बिरहा, करही, कजरी, चौलर, नटका, ददरा, रोपनी, चैती, चैती, बधाई गीत, होली, पूर्वी, गाली, कहरवा, झूमर, इतने लोकगीत आपके पूर्वांचल क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इसका आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के एक से दो बार वीडियो को देखिए और नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर आपको एग्जाम में ये टॉपिक देखा जाएगा, पूछ लेगा कजरी कहाँ पे गाई जाती है, तो कजरी आपको बताना पड़ेगा पूर्वांचल क्षेत्र में गाई जाती है। पूर्वांचल क्षेत्र में देखिए वाराणसी, मिर्जापुर, यहाँ पे गाई जाती है। चौलर कहाँ पे गाया जाता है आपको मालूम होगा, तभी आप टिक लगा पाओगे। नटका, बिहार, रोपनी कहाँ पे गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। एक नंबर आपको देखा जाएगा इस टॉपिक से, उत्तर प्रदेश में लोकगीत, ये पूरा कंबाइंड मास्टर वीडियो मैंने पूरा फाइनल कर दिया है। आप लोग इसका वीडियो देखकर नोट्स इसका जरूर बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद एक से दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, जितने लोग चैनल पर नए हो चैनल को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें मैं पूरा उत्तर प्रदेश विशेष पूरा कंबाइन में पूरा पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य, इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये मैं पूरा उत्तर प्रदेश विशेष का भाग नंबर 22 में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए।